अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक जो कि फ्रैंक एस बडनिक की लिखी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 5.2 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम सेक्शन 5.1 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया है, किस तरह से जो है हम कॉस्ट की इक्वेशन बनाते हैं, किस तरह से रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं, किस तरह से प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं और डिफरेंट यूनिट्स पर किस तरह प्रॉफिट निकालते हैं, ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था और इसके सेक्शन 5.3 में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 5.2 के सवाल की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में वही y इक्वल्स mx प्लस c यानी ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट है यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे किया जाएगा। तो सेक्शन 5.2 में हमारे पास पहला सवाल है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। कहा गया अ पीस ऑफ मशीनरी इज परचेज फॉर 80,000। अकाउंटेंट्स हैव डिसाइडेड टू यूज़ अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मैथड with the machine being fully depreciated after 6 years, letting V equals the book value of machine and T equals the age, determine V equals f of t। इससे मुराद ये है कि हमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी इक्वेशन बनानी है कि वैल्यू फंक्शन है टाइम पीरियड का, दैट मीन्स अगर हम टाइम इनपुट करें तो हमें वैल्यू मिल जाए। तो अगर आपको याद हो हम पिछली एक्सरसाइजेज में स्पेसिफिकली चैप्टर 2 में इस तरह की इक्वेशंस पढ़ चुके हैं जिसमें डेप्रिसिएशन होता है। अगर आपको याद हो हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, वो वैल्यू बराबर होता है जो भी उसकी कॉस्ट होती है उसमें से माइनस करते हैं पर ईयर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, जितना भी हो टाइम लिख दें लाइफ लिख दें एक ही बात होती है। तो कॉस्ट जो होती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है और पर ईयर डेप्रिसिएशन स्लोप होता है और टी जो है आपका वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वी जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करें तो फंक्शन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू कॉस्ट हमारे पास है 80,000 माइनस पर ईयर डेप्रिसिएशन। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, तो 80,000 इसकी कॉस्ट है जो कि 6 साल में डेप्रिसिएट होनी है। तो एक साल का डेप्रिसिएशन होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू टी। 80,000 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 6 आता है 40,000 अपॉन 3, मींस रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, अगर डेसिमल में निकालें तो इतना आंसर लिख दिया जाए तो भी ठीक है, और अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी वो आंसर काबिले कबूल है। 80,000 माइनस 40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे 13,333.33 इंटू टी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है पार्ट 1 का, मींस पहले सवाल का आंसर आ चुका है। अब उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में हमें वही जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसमें हम परचेज प्राइस से उसकी सेल्वेज वैल्यू को माइनस करते हैं और फिर उसकी लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि सपोज़ अगर एक मशीन की कॉस्ट 20,000 रुपये है और उसकी सेल्वेज वैल्यू 2,500 रुपये है, तो दैट मीन्स हम यूज़ तो 17,500 करेंगे और उस 17,500 को अगर 5 ईयर की लाइफ से डिवाइड किया जाए तो इसका मतलब पर ईयर 3,500 का डेप्रिसिएशन होगा, और पर ईयर का मतलब यही रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू है यानी स्लोप है। तो स्लोप इसका 3,500 है और नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो और ये इसकी कॉस्ट है। तो देखा जाए तो वही फंक्शन आ गया डोमेन के साथ। अच्छा, इसमें डोमेन भी हम शो कर दें ज़्यादा बेहतर है, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं की थी, तो इसमें डोमेन भी लिख दी जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि वेयर टी इज़ बिटवीन 0 to 6, क्योंकि 6 साल इसकी लाइफ है, टी जो है 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता इस फंक्शन के लिए। खैर, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया। अब कहा गया कि सपोज़ कीजिए एक्सरसाइज 1 जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें सेल्वेज वैल्यू अगर 7,500 है एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, तो अब नया फंक्शन क्या होगा। तो देखें सिंपल सी बात है, कॉस्ट हमें ऑलरेडी पिछले सवाल में दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि 80,000 थी, लाइफ हमें ऑलरेडी गिवन थी वो थी 6 ईयर्स, और यहाँ भी उसने रिपीट कर दिया है, और इसके अलावा हमें सेल्वेज वैल्यू दे दी है, स्क्रैप वैल्यू दे दी है 7,500।
तो पर ईयर डेप्रिसिएशन पहले निकालेंगे कि एक साल में कितना डेप्रिसिएट होता है, पर ईयर डेप्रिसिएशन वो बराबर होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 80,000, सेल्वेज वैल्यू है 7,500 और लाइफ है इसकी 6। तो 80,000 से माइनस किया 7,500 तो आंसर आता है 72,500, और से जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल आ रहा है 12083.33। तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन है। अब पर ईयर डेप्रिसिएशन जब आ गया हमारे पास तो हम वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है कॉस्ट माइनस पर ईयर डेप्रिसिएशन जो भी आपका हो मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड जितना भी आपका हो। तो इस हिसाब से जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उससे वैल्यू यानी जो कि फंक्शन होगा टाइम या लाइफ ऑफ मशीन वो होगा 80,000 माइनस पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारे पास 12083.33 आया है और टी, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया और वही इसकी डोमेन होगी कि टी की वैल्यू 0 to 6 होगी। तो ये हमारे पास वैल्यू का आंसर, वैल्यू ऑफ मशीन का एक फंक्शन बन चुका है। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर ली गई हैं। एक मशीनरी की परचेज प्राइस है 3 लाख रुपए और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज़ किया जाएगा 8 ईयर्स के लिए और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो वैल्यू मीन्स फंक्शन ऑफ टाइम बराबर होगा 3 लाख माइनस पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा 3 लाख यानी लाइफ को डिवाइड कर देंगे हम इंटू टी, इतना आंसर लिख दिया जाए तो भी ठीक है, और जहाँ पर टी की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक होगी। फ्रैक्शन में लिख दें तो भी ठीक है, ऐसे लिख दें तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सपोज के जो पिछला सवाल हमने किया है एक्सरसाइज 3 यानी पिछला सवाल, तो कहा जा रहा है कि अगर 8 साल बाद मशीन को 28,000 का बेचा जा सकता है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया, सेल्वेज वैल्यू हमें 28,000 दी हुई है और कॉस्ट दोबारा देख लेंगे पीछे मुड़कर हम, और लाइफ हमें 8 ईयर्स बताई गई है। तो पिछले सवाल में इसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए, तो कॉस्ट हमारे पास 3 लाख रुपए है। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम, पी वाई डी में शॉर्ट लिख देता हूँ उसका। पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा 300,000 माइनस 28,000 कर देंगे और उसे हम डिवाइड कर देंगे 8 से। 300,000 माइनस 28,000 इस 272,000 डिवाइडेड बाय 8 इस 34,000। तो 34,000 इज द पर ईयर डेप्रिसिएशन, एक साल में 34,000 जो है 34,000 रुपये मशीन की वैल्यू कम होगी। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया तो हम वही वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट जो कि है 3 लाख रुपये माइनस 34,000 इंटू टी, यहाँ टी से मुराद उसकी लाइफ है। एक साल बाद की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है एक साल में 34,000 ही होगा, तो 3 लाख में से 34,000 माइनस कर देंगे आपको एक साल बाद की वैल्यू मिलेगी। 2 साल बाद की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे एंड सो ऑन, और इसकी डोमेन होगी कि टी की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर 8 से आगे बढ़ जाएंगे हम तो फिर वो स्क्रैप वैल्यू के बाद आगे जाकर फिर नेगेटिव वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे और वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती मशीन की इस केस में। अच्छा खैर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ कंपनी परचेजेस कार्स बाय इट्स फॉर यूज बाय इट्स एग्जीक्यूटिव्स, द परचेज कॉस्ट दिस ईयर इज 25,000, कॉस्ट हमें दे दी है और आगे कहा द कार्स आर कैप्ट फॉर 3 ईयर्स, सो लाइफ भी हमें दे दी है और स्क्रैप वैल्यू भी दे दी है हमें। इफ द अकाउंटेंट यूज स्ट्रेट लाइन मैथड डिटर्मिन द फंक्शन, बिल्कुल सेम चीज़ है पिछले सवाल की तरह, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं आंसर, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर ऑड है तो इसका आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा। आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा और अपने आंसर से इसको मैच कर लीजिएगा, और अगर ना हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं सवाल को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया पुलिस डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट अरेस्ट रेट्स
आर अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर्स असाइंड. तो मीन्स यहाँ से हमें पता लग गया कि अरेस्ट रेट, और यहाँ बताया भी हुआ है, अरेस्ट रेट इज़ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स. तो मीन्स ये आर की जगह पर हम वाई लिखेंगे और ये एन जो है वो एक्स होगा, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में एक्स की जगह एन होगा और वाई की जगह पर आर होगा. ठीक है, आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है, द अरेस्ट रेट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ केसेस विच अरेस्ट हैव बीन मेड. ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ बिलीव दैट द रिलेशनशिप इज लीनियर, और अंडरस्टूड हम लीनियर फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, एंड दैट ईच एडिशनल ऑफिसर असाइन टू द प्लेन क्लोथ डिटेल रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द अरेस्ट रेट ऑफ 1.2%. तो अगर आप गौर करें तो ये हमें स्लोप दिया हुआ है, मीन्स हमें खुद बताया जा रहा है कि अगर हम जो ऑफिसर है प्लेन क्लोथ ऑफिसर उसका एक ऑफिसर बढ़ाएंगे तो अरेस्ट रेट 1.2% बढ़ जाएगा. और अगर आपको याद हो तो हमने स्लोप की इंटरप्रिटेशन यही पढ़ी थी कि एक्स की एक वैल्यू बढ़ाने से वाई की कितनी वैल्यू बढ़ेगी. तो हमारे पास स्लोप आ चुका है एम, यानी कि स्लोप आ चुका है जो कि है 1.2. और इफ़ द करंट प्लेन क्लोथ फोर्स कंसिस्ट ऑफ 16 ऑफिसर्स एंड अरेस्ट रेट इज 36, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स कह रहे हैं तो वो 16 है, और वाई पर हम परसेंटेज कह रहे हैं तो वो 36 है. तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसका फंक्शन मालूम कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा था वाई माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. तो y माइनस वाई वन की जगह पर हम 36 लिखेंगे, m की जगह पर 1.2, x माइनस एक्स वन की जगह पर 16, y माइनस 36 इज इक्वल टू 1.2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2x, माइनस 16 को जब 1.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 19.2. अब उसके बाद y इज़ इक्वल टू 1.2x माइनस 19.2 प्लस 36, तो y इज़ इक्वल टू 1.2x, 36 में से माइनस करेंगे 19.2 को तो आंसर आता है 16.8, पॉजिटिव आंसर आएगा. अब हम इस सवाल के x और y के वेरिएबल्स, क्योंकि देखें सवाल में x और y वेरिएबल्स नहीं दिए हुए, n और r दिया हुआ है, तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू 1.2n प्लस 16.8. तो ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है अरेस्ट रेट का. ये पार्ट a हमने सॉल्व कर लिया. इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ r इंटरसेप्ट, ये हमने पार्ट a सॉल्व कर लिया, यहाँ लिख देते हैं मीनिंग ऑफ r इंटरसेप्ट. आर इंटरसेप्ट का मतलब जब एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए. तो इफ़ देयर आर नो प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स, क्योंकि एन का मतलब प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स होता है, तो इफ़ देयर आर नो प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स द अरेस्ट रेट वुड बी 16.8%. ये हमारी इंटरप्रिटेशन हो गई, क्योंकि आर इंटरसेप्ट का मतलब ही वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए और एक्स हमारे पास नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं. पार्ट सी में कहा गया डिटर्मिन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन. रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी. देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि अरेस्ट रेट 100% हो सकता है मैक्सिमम, और अरेस्ट रेट 0% हो सकता है मिनिमम. तो रेंज तो हमें मिल गई. रेंज अरेस्ट रेट के लिए कैपिटल आर यूज़ किया गया था, 0% से लेके 100% तक हो सकता है. डोमेन की बात करते हैं. डोमेन मीन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स. तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स तो ज़ीरो होंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स मीन्स अगर हमें रेट 100% करना है तो कितने ऑफिसर्स असाइन करने होंगे. तो हम इसे रफ वर्क में या फिर यहीं पर सॉल्व करके देख लेते हैं. हमारे पास इक्वेशन है आर इज इक्वल टू 1.2n प्लस 16.8. आर को 100 से रिप्लेस करते हैं, मीन्स 100% पर कितने ऑफिसर्स चाहिए होंगे,
प्लस 16.8, 16.8 को 100 से माइनस करते हैं हम तो आंसर आता है 83.2 इज इक्वल टू 1.2n। अब 83.2 को डिवाइड करते हैं 1.2 से तो n इज इक्वल टू 69.333। तो 69 ऑफिसर्स हो सकते हैं, 69.33 नहीं हो सकते, तो इसकी डोमेन है 69 और ये इसकी रेंज। उसके बाद हम पार्ट डी की तरफ जाते हैं। कहा गया स्केच द फंक्शन, फंक्शन को स्केच करना है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 1.2n, मैं यहाँ लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 1.2n प्लस 16.8। हम यहाँ x और y एक्सिस ले लेते हैं और हमें पता है दोनों में से कोई चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम नेगेटिव x या नेगेटिव y बनाते ही नहीं हैं। राइट जी, ये हमारा x एक्सिस है जिसमें हम लिखेंगे n मीन्स नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ये हमारा y एक्सिस है जिसमें हम लिखेंगे अरेस्ट रेट, और जब ज़ीरो ऑफिसर्स होंगे तो 16.8 स्केल इसका एक चूज़ कर लेते हैं हम। हम यहाँ पर एक zigzag बना देंगे जिससे ये शो होगा कि बीच से हमने कुछ वैल्यूज़ मिस कर दी हैं जो हम शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ग्राफ फिर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। और हम यहाँ शुरू कर देते हैं, लेट सपोज़ हम 16 से शुरू कर लेते हैं, 17, 18 इस तरह करके हम, या 15 से शुरू कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। और 2 एक डिफरेंस को हम 2 के इक्वल मान लेते हैं, 14 से ज़्यादा इजी रहेगा ताकि 2 इवन नंबर्स ही आए हमारे पास, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, ये 30 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये 40 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये 50 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये 60 हो गया। हमें 100 तक जाना पड़ेगा, तो मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव ये 70 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये 80 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 90 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ तक आना है ताकि हम इसमें इसकी पूरी डोमेन एंड रेंज को शो कर सकें। अच्छा जी, तो जब एक्स नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स मैक्सिमम हमारे पास कितने थे, नंबर ऑफ़ ऑफिसर मैक्सिमम हमारे पास 69 थे, तो हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 तो ये 20 बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 तो ये 40 बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 50 बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 60 बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 70 बन जाएगा। तो हमें x और y इंटरसेप्ट ऑलरेडी पता है, y इंटरसेप्ट हमारा है 16.8, तो 16.8 14 और उसके बाद 16 और ये 18 और ये 16.8 ऑलमोस्ट 17 है, तो वो यहाँ पर होगा। उसके बाद कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, जो कि 69 ऑफिसर्स पर हमें पता था रेट 100% था, तो 69 70 से एक स्टेप पीछे में जाना होगा,
फिलहाल मैं अपनी गाइडेंस के लिए एक रफ लाइन बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल, ज़ाहिर है आप पेपर पे बना रहे होंगे तो आपके पास स्केल होगा। सिक्सटी नाइन पर 100% होगा, तो हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे। और इसे भी फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये आंसर्स आप लिख चुके होंगे यकीनन। अब ये दो पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, इन्हें हम ज्वाइन कर लेंगे। और यही फंक्शन होगा बस, इसके बाद एरोज़ नहीं बनाएंगे। इसे हम ये शो कर रहे हैं कि ये इसकी डोमेन यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो इससे आगे फंक्शन नहीं जाएगा, और यहाँ भी डोमेन ख़त्म हो रही है तो इससे आगे फंक्शन नहीं जाएगा। ज़ीरो नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स पर भी रेट आ रहा है और 69 नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स पर भी रेट आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ स्केच है, बिल्कुल एक्यूरेट हमने नहीं बनाया, लेकिन जितना एक्यूरेट बना सकते थे हमने बनाया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया, टू पॉइंट्स ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शंस आर, ये डॉलर है तो अंडरस्टूड है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, फिर प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है। डिटरमिन द डिमांड फंक्शन क्यू इक्वल्स एफ ऑफ पी, मींस वाई की जगह पर क्वांटिटी होगी और एक्स की जगह पर प्राइस होगी, जो कि ऑलरेडी इसने दी हुई है। तो हमें दो पॉइंट दिए हुए, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो ये प्रोसेस तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में, 20 and 80,000, और ये थाउजेंड्स में हमें कुछ नहीं बोला गया, तो हम 80,000 पूरा ही लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है 30,62,500, तो ये हमारे पास एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है। आप चाहें टू पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लें, आप चाहें पहले स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ कर लें, या वाई इंटरसेप्ट निकाल के वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर केस में आंसर सेम आएगा। तो हम इजी वे यूज़ कर लेते हैं, हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम पार्ट ए कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई टू की वैल्यू है 62,500 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज 30 माइनस 20। तो जब 62,500 से हमने माइनस किया 80,000, तो आंसर आता है नेगेटिव 17,500 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आंसर नेगेटिव 1750 आया। नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है, अंडरस्टूड आना चाहिए, क्योंकि देखें लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, प्राइस इंक्रीज़ करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, तो नेगेटिव स्लोप है। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, एक डॉलर प्राइस बढ़ाने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड 1750 यूनिट्स कम हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास स्लोप आ गया, अब हमें चाहिए वाई इंटरसेप्ट। तो हम टू पॉइंट फार्मूला, पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का पॉइंट हम ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, हम 80,000 ले लेते हैं। तो 80,000 इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 1750 है इंटू x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो y माइनस 80,000 इज इक्वल टू माइनस 1750 x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1750 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आंसर आएगा 35,000। तो y इज इक्वल टू माइनस 1750 x प्लस 35,000 प्लस 80,000। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, y इज इक्वल टू माइनस 1750 x, 35,000 और 80,000 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 115,000, 115,000। तो ये हमारे पास डिमांड फंक्शन बन गया, लेकिन वेरिएबल्स y और x यूज़ नहीं हुए थे, बल्कि डिमांड एंड प्राइस यूज़ हुआ था, बल्कि d या q क्या यूज़ हुआ था देख लेते हैं, q और p यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे q इज़ इक्वल टू माइनस 170 पी प्लस
115,000। तो ये हमारे पास डिमांड फंक्शन की इक्वेशन आ चुकी है। उम्मीद है पार्ट ए समझ आ गया होगा। अब उसके बाद कहा गया डिटरमिन द प्राइस वुड रिजल्ट इन डिमांड ऑफ 50,000 यूनिट्स। तो ये तो और आसान हो गया, हमें डिमांड दी हुई है 50,000 यूनिट्स और हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम जस्ट इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। 50,000 इज इक्वल टू -1750 पी प्लस 115,000। 115,000 को पहले वहाँ माइनस करेंगे तो 50,000, या हम पी को पहले यहाँ ले आते हैं 1750 पी ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, इज इक्वल टू 115,000 -50,000। तो 115,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो आंसर आता है 65,000। तो 1750 पी इज इक्वल टू 65,000। अब 65,000 को 1750 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 260/7 या फिर 37.1428 है तो 14 लिख देते हैं, और 260/7 ये आ गई हमारे पास। अच्छा, क्योंकि प्राइस ये होनी चाहिए 37.14 अगर आपको 50,000 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में चाहिए। उसके बाद कहा गया इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। ये तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं आपको, स्लोप हमारे पास आया था 1750 नेगेटिव में, पार्ट सी होगा। स्लोप का आंसर था -1750। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस बाय $1 वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 1750 यूनिट्स। तो ये हमने इसकी इंटरप्रिटेशन दे दी। अब उसके बाद हमें कहा गया डिफाइन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज, ये ऑलरेडी हम डिमांड फंक्शन किसी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। डिमांड फंक्शन हमारे पास q इज इक्वल टू -1750 p एंड प्लस 115,000। तो सबसे पहली बात हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज़। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी है तो प्राइस मिनिमम क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। कोई चीज़ आप फ्री में दे सकते हैं तो प्राइस ज़ीरो हो सकती है। मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस वो हो सकती है जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो हो जाए। तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ रफ वर्क में, ज़ीरो इज इक्वल टू -1750 p प्लस 115,000। अब 1750 p यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 115,000। तो p इज इक्वल टू 115,000 डिवाइडेड बाय 1750। तो 115,000 को डिवाइड करेंगे 1750 से तो आंसर आता है 460/7 या फिर दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं 65.71 अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि रेंज होगी। रेंज में अगर हम बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड मिनिमम क्या हो सकती है, ज़ीरो। मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो सकती है जब प्राइस ज़ीरो हो जाए। तो जब प्राइस ज़ीरो हो जाएगी तो मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड 115,000 है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। मींस यहाँ प्राइस अगर हम ज़ीरो कर देंगे इस फंक्शन में, प्राइस अगर ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर
तो हमारे पास सिर्फ 115,000 बचेगा। तो ये हमारे पास डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहा गया हमें। आगे कहा गया स्केच करना है हमें फंक्शन पार्ट ई में। स्केच करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी है। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 115,000 है, और जब वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 65.71 है। ये दो एक्स इंटरसेप्ट भी अगर हम इन्हें ज्वाइन कर लें तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, और हमें पता है दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम सिर्फ एक्स और वाई पॉजिटिव ग्राफ ही लेते हैं। और स्केच का मतलब है कि बिल्कुल एक्यूरेट ज़रूरी नहीं है बनाया जाए, मीन्स ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ग्राफ पेपर लेकर प्रॉपरली एक्यूरेट बिल्कुल वैल्यूज़ के साथ लगाएं, ऐसा नहीं करना। क्यू एंड यहाँ पर प्राइस है। इकोनॉमिक्स में वैसे जब आप पढ़ते होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस में और प्राइस वाई एक्सिस पर रखी जाती है। खैर, इसकी अपनी एक लॉजिक है, इसका अपना एक रीज़न है जो कि आप इकोनॉमिक्स में यकीनन आप पढ़ेंगे। तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है 115,000, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास था 65.71, और जब आप इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा, डिमांड फंक्शन। डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसे मैं आगे एक्सटेंड नहीं करूँगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नीचे जाऊँगा तो क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिव हो जाएगी, और अगर पीछे जाऊँगा तो प्राइस नेगेटिव हो जाएगी। तो सिर्फ यही हमारा फंक्शन है, क्यू इज इक्वल टू -1750 पी +115,000। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो कि आपने खुद करना है। हमें पी एंड क्यू यानी प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, हमें प्राइस भी गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, फिर प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। व्हाट प्राइस वुड, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं है। अगर मुझे पहले मालूम होता दोनों क्वेश्चन सेम है तो हम ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते, क्योंकि इसका आंसर पीछे मौजूद नहीं होता। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू पॉइंट्स हमें अब सप्लाई फंक्शन के गिवन हैं। सप्लाई फंक्शन के पॉइंट वही प्राइस एंड क्वांटिटी, फिर प्राइस एंड क्वांटिटी, और बिल्कुल वही सेम यूज़ हमें करना है। क्वेश्चन 9, 10 देखते हैं क्या ऐसा ही है। बिल्कुल 10 भी ऐसा ही है। तो हम क्वेश्चन 9 को स्किप करके 10 की तरफ जा रहे हैं। 9 आप खुद करेंगे, मैं आपको पार्शली सॉल्व कर देता हूँ। आपको 4,28,000 गिवन है, तो ये एक्स वन एंड वाई वन कहलाएगा। इसी तरह 6.5 और 55,000 गिवन है, तो ये X2 और Y2 कहलाएगा। आप बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शन मालूम करना है जो हमने पिछले सवाल में किया था, वैसे ही करेंगे कि ये दो पॉइंट्स हैं X1, Y1। आप इनकी मदद से पहले स्लोप फाइंड आउट करें, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके फंक्शन मालूम कर लें, और फिर आगे जो भी उन्होंने प्राइस वगैरह दी हुई आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो खैर, हम क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा गया टू पॉइंट्स पी एंड क्यू लीनियर सप्लाई फंक्शन है। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपने पास। एक पॉइंट है 3.5 और 116,000, दूसरा पॉइंट है 5 एंड 180,000। अब कहा गया कि सप्लाई फंक्शन निकालिए, तो बिल्कुल सेम तरीक़ेकार होगा, ये X1 और Y1 है। अभी हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन में P और Q लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी आदत हमारी P और Q की भी बने। तो ये P1 और Q1 है, और ये P2 और Q2 है। बस ये याद रखना है कि ये हम जो P लिख रहे हैं वो X को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला वैसे नॉर्मल होता है y2 माइनस y1, तो इस केस में होगा q2 माइनस q1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी p2 माइनस p1। तो q2 हमारे पास है 180,000, और इसका स्लोप पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई जो ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ हो जाती है, रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट।
तो 180,000 माइनस 116,000 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 दैट इज 5 माइनस 3.5। इसका आंसर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर में। 180,000 माइनस 116,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3.5 तो आंसर आता है 128,000। उन्होंने सवाल ऐसे बनाए हैं जिनमें रिकरिंग डेसिमल्स आ रहे हैं। खैर, ये स्लोप का आंसर मैं फ्रैक्शन में ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमसे कहा गया कि या चलें स्लोप का आंसर हम डेसिमल में लिख लेते हैं, आगे अगर इंटरप्रिटेशन पूछी गई तो हम यहाँ लिख देंगे 42666.7। 0.666 है, हम इसे 7 कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद स्लोप आ गया तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन के लिए या फंक्शन के लिए, जो के होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हमारे केस में होगा q माइनस क्यू वन इज इक्वल टू m इंटू पी माइनस पी वन। पॉइंट दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, q1 और p1 की जगह आप q2 और p2 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी, q माइनस क्यू वन की जगह पर सवाल में हमें 116,000 गिवन है, इज इक्वल टू m की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 128,000 डिवाइडेड बाय 3, p माइनस पी वन, पी वन हमारे पास 3.5 है, तो q माइनस 116,000 इज इक्वल टू, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए मैं 42667 ही लिख देता हूँ, 666.7p माइनस 3.5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 448,000 अपॉन 3, या फ्रैक्शन में अगर डेसिमल में अगर हम लिखें तो 1493333.33। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, 42666.7p माइनस 1493333.33 या सिर्फ 3 प्लस 116,000, क्योंकि वो मैंने यहाँ स्लोप में डेसिमल के बाद एक डिजिट लिया है तो यहाँ भी एक ही डिजिट ले लेता है। तो 42666.7p, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1493333 में प्लस करेंगे, नेगेटिव 149 में प्लस करेंगे 116,000, तो आंसर आता है 33,333। फ्रैक्शन में है 1,00,003। तो ये हमारे पास आ गया सप्लाई फंक्शन, और अगर इसकी इक्वेशन हम फ्रैक्शन के बगैर लिखना चाहें तो ये 128,000 अपॉन 3, डेसिमल के बगैर लिखना चाहें, प्लस 1,00,003, इस तरह का कुछ बनेगा। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। अब कहा गया व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन सप्लायर्स ऑफरिंग 135 यूनिट्स फॉर सेल। अब क्वांटिटी आ गई हमारे पास 135, तो हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। क्यू गिवन है 135,000 और पी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यू को हम रिप्लेस करेंगे 135,000 से, इज इक्वल टू 128,000 पी अपॉन 3 प्लस 1,00,000 अपॉन 3। फ्रैक्शन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इन दोनों का एलसीएम भी 3 आएगा और वो 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में भी ले लें तो अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर आएंगे, डेसिमल में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो 128,000 पी प्लस 1,00,000, 3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 135,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है 405,000। इज इक्वल टू 128,000 पी
प्लस 100,000, 100,000 को दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंडरस्टूड है 305,000 आएगा, इज इक्वल टू 128,000। अब 305,000 को 128,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.38। मीन्स द प्राइस शुड बी $2.38 इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज 135,000 रिक्वायर्ड। उसके बाद इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप हमारे पास यहाँ निकल चुका है जो कि था 128,000 अपॉन 3। तो इसकी इंटरप्रिटेशन, ये अगर आपको याद हो ये चेंज इन एक्स होता है और एक्स हमारे पास प्राइस है, और ये हमारे पास चेंज इन वाई होता है, हमारे पास क्वांटिटी है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी, इंक्रीज इन प्राइस बाय $3 वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय 128,000 यूनिट्स। उसके बाद कहा गया डिटरमिन एंड इंटरप्रेट पी इंटरसेप्ट। पी इंटरसेप्ट का मतलब जब क्यू जीरो हो जाएगा। पी इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन दी हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 128,000 अपॉन 3p प्लस 100,000 अपॉन 3। जब Q को हम ज़ीरो लिख देंगे तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 128,000 पी, और इनका एलसीएम भी हम यहीं पर एक ही स्टेप में ले लेते हैं, प्लस 100,000। 3 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो 128,000 पी प्लस 100,000। 100,000 को हम माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव 100,000 डिवाइडेड बाय 128,000। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 128,000 करते हैं, आंसर आता है नेगेटिव 0.78। तो इसका मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन अब क्या होगी, एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन पूछी है कि नहीं, और खैर ना भी पूछी हो तो हमें आनी चाहिए। डिटरमिन एंड इंटरप्रेट दी पी इंटरसेप्ट। जी, इंटरप्रिटेशन भी पूछी है। पी इंटरसेप्ट का मतलब जब क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए, तो हम सिंपल कह सकते हैं दी क्वांटिटी सप्लाइड would be zero if the price is negative 0.78, जो कि नेगेटिव आंसर हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन खैर हमारे पास एक इंटरसेप्ट की वैल्यू आ चुकी है, पी इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब क्योंकि हमारे पास पी इंटरसेप्ट भी आ चुका है और वाई इंटरसेप्ट भी हमें ऑलरेडी मालूम है, तो यकीनन अगले पार्ट में, जी हाँ बिल्कुल, स्केच बनाने के लिए बोला गया है, तो स्केच बनाते हैं इसका। हम पहले इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। हम पी इंटरसेप्ट का मतलब जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी, तो -0.78, 0 और 0,
मीन जब प्राइस जीरो होगी तो क्वांटिटी थी हमारे पास 1,00,003। इसे भी डेसिमल में ही लिख लेते हैं, 33,333 बन रहा था शायद, तो इसे हम डेसिमल में लिख लेते हैं 33,333.33। तो अगर हम इसे स्केच करें, बहुत स्टीप लाइन मुझे नज़र आ रही है ये, अच्छा नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो हम नेगेटिव ले लेते हैं फिलहाल। राइट जी, तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास प्राइस है और वाई एक्सिस पर हमारे पास, इसे थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ ताकि ग्रिड के साथ अलाइन हो जाए, यहाँ पर हमारे पास प्राइस है और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है। जब प्राइस नेगेटिव 7.8 है तो क्वांटिटी ज़ीरो है, तो नेगेटिव 7.8 यानी तकरीबन नेगेटिव 1 है, इस तरफ आएगा और बहुत करीब होगा यहाँ पर। और जब प्राइस ज़ीरो है तो क्वांटिटी 33,000 जो कि बहुत ऊपर कहीं जाकर बनेगी, सपोज़ हम यहाँ कर लेते हैं, हालांकि वो स्केल के हिसाब से ही 1 बहुत ही करीब है, लेकिन फ़िलहाल हम समझने की गर्ज़ से कर लेते हैं। अब जब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, बहुत ज़्यादा स्टीप लाइन बनेगी, ठीक है। मींस दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह का कर्व होगा, बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व होगा। दूसरे अल्फाज में इसकी इलास्टिसिटी, खैर इलास्टिसिटी में हम फ़िलहाल नहीं जाते, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व बनेगा, ये इसका स्केच बन जाएगा। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं 33,333, ये y की वैल्यू है और ये ज़ीरो है, नेगेटिव हमें शो नहीं करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमने ग्राफ बनाने के लिए शो किया है। ग्राफ बनाने के बाद इसे हम मिटा देंगे इस पोर्शन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है तो काफ़ी एक्सेस भी मुझसे रिमूव हो गया, इस तरह की ये लाइन बनेगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एलिमनी यानी चाइल्ड सपोर्ट। क्या कहा गया चाइल्ड सपोर्ट के बारे में? रीसेंट सर्वेज इंडिकेट दैट द पेमेंट ऑफ एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट टेंड्स टू डिक्लाइन विद द टाइम इलैप्स्ड आफ्टर डिवोर्स डिक्री। वन सर्वे यूजेस द एस्टिमेटिंग फंक्शन एज दिस। पी क्या है? पी है परसेंटेज ऑफ केसेस, या हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। पी का मतलब है परसेंटेज ऑफ केसेस इन विच पेमेंट्स आर मेड, और टी इक्वल्स द टाइम मेजर्ड इन ईयर्स आफ्टर डिवोर्स डिक्री, यानी जो भी फैसले की तारीख होगी उसके बाद से जितने ईयर्स हुए हैं। तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? इसकी इंटरप्रिटेशन खैर पूछी भी है। पी इंटरसेप्ट, पी इंटरसेप्ट का मतलब जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो होगी। पार्ट ए, टाइम की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो पी की वैल्यू हो जाएगी 90। दैट मीन्स पी का मतलब क्या था? परसेंटेज ऑफ केसेस। तो हम ये कहेंगे 90% ऑफ केसेस पे एलोमनी और चाइल्ड सपोर्ट व्हाटएवर जो भी है एट द ईयर ऑफ डिवोर्स डिक्री। ठीक है, इंटरप्रेट दी स्लोप। स्लोप क्या शो कर रहा है? स्लोप -12.5 है, जो कि शो करता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड पास होता है, मींस एक साल गुजरने की वजह से परसेंटेज 12.5 डिक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ईच ईयर, ई कैपिटल होना चाहिए, ईच ईयर द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट
डिक्रीजेस, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए डिक्रीज लिख रहे हैं, डिक्रीजेस बाय 12.5%। उसके बाद कहा गया इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस इज अलमनी पेड आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम इसमें टी की वैल्यू 5 पुट कर देंगे जो हमारे पास फंक्शन था। पी इज इक्वल टू 90 माइनस 12.5 टी, टी की जगह 5 पुट करेंगे, 90 माइनस 12.5 इंटू 5, 90 माइनस 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 62.5। तो 90 माइनस 62.5 होता है 27.5%। 5 साल बाद सिर्फ जो अमाउंट है उसका 27.5% बच जाएगा, अब वट एवर जो भी इसके कहा गया। अब इसका स्केच बनाना है हमें, स्केच बहुत इजी है। वाई इंटरसेप्ट हमें मालूम है 90 है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा वो निकाल लेते हैं ताकि हम उसे इजीली ज्वाइन कर सकें। तो डी में कहा गया स्केच, वाई इंटरसेप्ट हमें मालूम है जो कि है 90, एक्स इंटरसेप्ट हम मालूम करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास पी इज इक्वल टू 90 माइनस 12.5 टी, पी ज़ीरो हो जाएगा, 90 माइनस 12.5 टी, 12.5 दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और 90 को डिवाइड करेंगे 12.5 से, तो आंसर आता है 7.2। मींस 7.2 ईयर्स पे ये परसेंटेज ज़ीरो हो जाएगी। और परसेंटेज नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस लेंगे। 90 से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ 90 शो कर देते हैं, स्केच है ज़रूरी नहीं है पूरे 9 बॉक्सेस हम दिखाएं, यहाँ टाइम शो कर देते हैं और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ चाइल्ड सपोर्ट, यहाँ टाइम शो कर रहे हैं और टाइम 7.5 ईयर्स यहाँ शो कर देते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, 8 लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन प्लॉट हो गया, नेगेटिव एक्सेस में किसी के भी नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। यानी अगर इनके पूछा जाता इसमें कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज बताएं, तो हम ये कहेंगे कि टी की वैल्यू 0 से लेकर 7.5 तक हो सकती है, कि 7.5 के बाद परसेंटेज नेगेटिव हो जाएगी जो कि हो नहीं सकती, और परसेंटेज की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक होगी क्योंकि 90 के बाद 100% तक जा नहीं सकते, उस पर टाइम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 12। स्पोर्ट्स इंजरीज हमें गिवन है। अ सर्वे ऑफ हाई स्कूल एंड कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ करियर एंडिंग इंजरीज इन दिस स्पोर्ट इज़ इंक्रीजिंग। 1980 में 925 थी, यहाँ लिख देते हैं 1980 में जो नंबर ऑफ इंजरीज थी वो 925 थी और 1988 में इट वॉज 1, 2, 3, 5। तो ये x1, y1, x2, y2 आ चुका है हमारे पास। इट इज़ अज्यूम दैट इंजरीज आर इंक्रीजिंग एट लीनियर रेट। इससे पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर रेट मीन्स रेट ऑफ चेंज सेम है हर जगह पर। तो डिटर्मिन द फंक्शन सिंस 1980, मीन्स 1980 को हमें ज़ीरो मानना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 0 है n की वैल्यू तो 925 है और 88 पर 88 ये 0 है तो 81 पर 1 होगी, 82 पर 2 होगी, तो 88 पर 8 होगी। तो ये 8, 1, 2, 3, 5 ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इन दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का नंबर इवन है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप का आंसर होगा y2 माइनस y1, दैट मीन्स 1, 2, 3, 5 माइनस 925 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज़ x8 माइनस 0। तो इसका आंसर निकालते हैं 1, 2, 3, 5
माइनस 925 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0 जो कि बनता है 38.75। मींस हर साल 38.75 इंजरीज इजाफा होता है। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप, तो वो तो हमने पहले ही कर लिया। नहीं, पहले हमने फंक्शन तो नहीं बनाया, खैर फंक्शन बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे पिछले सवालात में तो हमने ऐसे नहीं किया था। उसकी वजह ये कि मुझे डायरेक्टली y इंटरसेप्ट पता है कि 925 है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 925 होगी। तो हमारे पास फ़ौरन से फंक्शन आ गया। काफ़ी ईजी सवाल था ये। एफ ऑफ टी यानी कि नंबर ऑफ इंजरीज इज इक्वल टू नाइन टू फाइव प्लस 38.75 t। उसके बाद हमसे कहा गया इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप फंक्शन। स्लोप हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ईच ईयर द नंबर ऑफ इंजरीज विल इंक्रीज या इंक्रीजेस, एक ही बात है, विल इंक्रीज बाय 38.75। खैर नंबर ऑफ इंजरीज डेसिमल में नहीं होती, लेकिन ये ऑन एवरेज है। अच्छा, उसके बाद व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द नंबर ऑफ इंजरीज विल गो ओवर 1500, के 1500 से ग्रेटर कब हो जाएगी इसकी वैल्यू। पहले 1500 पर देख लेते हैं या इनइक्वालिटी की फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि 925 प्लस 38.75 t, इस पूरे का आंसर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, कि एक्सीड बोला है, ग्रेटर हो जाएगा 1500 से। तो 925 को दूसरी तरफ माइनस कर लेते हैं, तो 1500 माइनस 925 दैट इज 575। 575 को डिवाइड करते हैं, कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 575 डिवाइडेड बाय 38.75 जो के बनता है 14.83। जैसे ही टी की वैल्यू 14.8 से ग्रेटर होगी, दैट मींस जब 15 हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 14 ईयर्स। क्योंकि टी ईयर्स में है, ईयर्स हम डेसिमल में नहीं ले रहे हैं, तो ये कह सकते हैं, और चाहें तो 14.8 ईयर्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो 0.8 ईयर्स है, तो फिर उस 0.8 ईयर्स को आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये 8 मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, वो 8387968 है। तो खैर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस डेसिमल को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो ये जो डेसिमल नंबर आपके पास आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तो फिर वो आएगा 10.064। अब वो ये तो मंथ हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये मंथ के बाद क्या है, डेज़ हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ताकि क्योंकि 30 से करेंगे फिर वो डेज़ आ जाएगा, फिर डेज़ में अगर डेसिमल आ रहा हो उसे मल्टीप्लाई बाय 24 करना पड़ेगा ताकि वो आवर्स में बन जाए, और उसके बाद अगर आ रहा है तो फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे ताकि वो मिनट्स में बन जाए, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 ताकि सेकंड्स बन जाए। तो एग्जैक्ट अगर आंसर चाहिए तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आफ्टर 14 ईयर्स लिख देना काफ़ी है। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका। 13 क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बातें हो रही हैं। डेटा रिलीज बाय सेंसस ब्यूरो इन 1986 इंडिकेटेड द लाइकलीहुड दैट नेवर मैरिड वुमेन वुड इवेंचुअली मैरी। द डेटा इंडिकेटेड द ओल्डर वुमेन द लेस द लाइकलीहुड। ठीक है भाई, होता होगा, जैसे ज़्यादा उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनकी मैरिज की ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। तो स्पेसिफिकली टू स्टैटिस्टिक इंडिकेटेड दैट द वुमेन वर 45 एंड नेवर मैरिड हैड 18% चांस एंड 25% चांस है। तो अब ये अगर लीनियर है तो फिर अब हमें क्या बताना है, डिटर्मिन द लीनियर फंक्शन। पी का मतलब है प्रॉबिबिलिटी, तो प्रॉबिबिलिटी ये हमें 78 है और 18 है, और ए का मतलब है एज, तो एज हमारे पास एक्स की जगह आएगा और ये पी वाई की जगह आएगा। तो हमारे पास जो दो पॉइंट हैं वो 45 एंड 18 है, और दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास 25 और 78 है। तो वाकई नेगेटिव स्लोप हमें नज़र आ रहा है,
तो अब डिटरमिन द फंक्शन क्वेश्चन 13 है, ऑड नंबर है क्वेश्चन का, तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूँ। आप बिल्कुल वही सेम x1, y1, x2, y2 के फॉर्मूला से यूज़ करके इसकी फंक्शन की इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद कहा गया इंटरप्रेट दी स्लोप एंड पी इंटरसेप्ट। स्लोप क्या बताएगा? स्लोप का आंसर मैं अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्लोप का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास भी यही आना चाहिए, y2 - y1 / x2 - x1, वो आता है -3। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ए का आंसर आप खुद करेंगे, बी के आंसर में इंटरप्रिटेशन -3। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ईच ईयर, जैसे जैसे एक साल उनकी एज बढ़ जाएगी, तो ईच ईयर दी लाइक्लीहुड ऑफ मैरिज इन नेवर मैरिड वुमेन डिक्रीजेस बाय 3%। वो लाइक्लीहुड लिख लिया तो प्रॉबिबिलिटी लिखने की बात है, ईच ईयर द प्रॉबिबिलिटी विल डिक्रीज बाय 3%, एक ही बात है। उसके बाद कहा गया पी इंटरसेप्ट की वैल्यू बताएं। पी इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब ए ज़ीरो हो जाए, तो एज ज़ीरो हो जाए, तो एज ज़ीरो है तो इसका मतलब एट द बर्थ। अजीब सी इंटरप्रिटेशन बनती है कि एट द बर्थ द लाइक्लीहुड ऑफ यही मैरिड वुमेन बीइंग नेवर इज, जो भी आपका वाई इंटरसेप्ट का आंसर होगा वो लिख देंगे, पी इंटरसेप्ट का आंसर होगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद डू द वैल्यूज इन पार्ट बी सीम रीजनेबल, बिल्कुल सही, जो कि जिसको मैं भी अजीब कह रहा था, तो बिल्कुल ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब उसकी एज ज़ीरो होती है, तो इंसान पैदा हुआ है, तो उसकी लाइकलीहुड मीन्स उसकी मर्जी, उसके चांस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? आमतौर पर वो 18 के बाद ही कैलकुलेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इफ़ द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ 20 to 50, खैर मैंने 18 का, इन्होंने 20 कह दिया कि एज 20 से लेके 50 तक ही हम जो है ये फंक्शन वैलिड है। एफ ऑफ 20 बताइए, एफ ऑफ 30 बताइए, एफ ऑफ 40 बताइए, एफ ऑफ 50 बताइए। तो आपके पास जो पार्ट ए में इक्वेशन आई होगी उसमें आप ए की वैल्यू पहले 20 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, तो इस तरह आपके चार आंसर्स आ जाएंगे और चार प्रॉबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। और यकीनन वो हर अगला आंसर पिछले से कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा था नेगेटिव स्लोप है, तो कम होती जाएगी एज, प्रॉबेबिलिटी कम होती जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है, तो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ग्राफ देखकर डर जाते हैं। तो लीनियर फंक्शन है तो लीनियर ग्राफ से कोई डरने वाली बात नहीं होती, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो, उसमें कुछ समझ आती है बात। खैर देखते हैं क्या कहा गया। एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स फिगर 5.9 जो है हमें एक्सपेंडिचर शो कर रहे हैं एजुकेशन के, 65 है उस पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ शो नहीं की गई, ओवर द 3-decade पीरियड। ठीक है, द एक्सपेंडिचर आर स्टेटेड इन कॉन्स्टेंट डॉलर्स विच फिल्टर आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट अपीयर्स टू हैव अकर्ड अप्रॉक्सीमेटली इन ईयर नेट। तो अब इतने सारे की हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं थी। इन 1958 द एक्सपेंडिचर वॉज 1750, इन 1984 द एक्सपेंडिचर वॉज, ये तो हमें दो पॉइंट दे दिए। और कहा गया कि अब आप एक फंक्शन बनाइए जिसमें खुद बताया गया टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब 1955 है। तो इसका मतलब ये है कि जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब 1955 है, 1955 पे t की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास जो 1958 है उस पर t की वैल्यू क्या होगी? तो ये 56, 57, 58, तो 58 पर t की वैल्यू होगी 3। और हमारे पास जो एक्सपेंडिचर इन डॉलर्स दिए हुए हैं, जिसको इन्होंने e का नाम दिया है, तो हम e लिख देते हैं। तो 1958 में जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 1750 हैं, और 84 की तरफ चलते हैं हम, तो 59 पर 4 हो जाएगा, 60 पर 5 हो जाएगा, इसी तरह अगर 10 इंक्रीज़ कर लें 70 पर 15 हो जाएगा, 80 पर 25 हो जाएगा, तो 81, 82, 83, 84, 84 पर हो जाएगा 26, 27, 28, 29, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया 29, जिस पर हमारे पास वैल्यू है 3812.5। मेरी स्क्रीन आपको शायद नज़र ना आ रही हो,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, 84 पर 29 था, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ रहा है 29 कॉमा 3812.50। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको मैं यहाँ नीचे नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूँ। पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं, फंक्शन पूछा गया है, फिर स्लोप और ई इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन है, और 2000 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो दो पॉइंट्स लिख देते हैं जो हमें गिवन थे। टी की वैल्यू 3 थी और 1, दोबारा देखना पड़ेगा, 3 पर 1750, और 29 पर 3812.50। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। एक्स क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑड नंबर है क्वेश्चन का, तो आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ कि ये x1 और y1 होगा, ये x2 और y2 होगा, और आप वही पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का आंसर आपका आना चाहिए 79.33, और जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आनी चाहिए f(t), यानी कि वो जो एक्सपेंडिचर थे वो टाइम पे डिपेंड करते हैं, तो f(t) इज़ इक्वल टू स्लोप, क्योंकि 79.33 है, तो 79.33 t प्लस y इंटरसेप्ट का आंसर आपके पास आएगा 1512.02। तो ये आंसर आपका आना चाहिए, जो कि आप बुक से यकीनन पीछे देखकर वेरीफाई भी कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लोप क्या शो कर रहा है, स्लोप ये इंडिकेट कर रहा है कि ईच ईयर पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 79.33 डॉलर अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम लिख देते हैं पार्ट बी में, ईच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट इन US इंक्रीजेस बाय 79.33 डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली। और ई इंटरसेप्ट क्या शो करता है, इंटरसेप्ट का मतलब जब टी ज़ीरो हो, और टी ज़ीरो हो तो उस पर कौन सा ईयर हमें बताया गया था, 1955। तो हम ये कहेंगे इन 1955 द एक्सपेंडिचर वॉज 1512.02 पर स्टूडेंट। उसके बाद हमसे जो है वो पार्ट सी में पूछा गया 2000 में क्या हो जाएगा। तो आप अगर इसी तरह जो हमने टी की वैल्यूज़ यहाँ राइट पर निकाली थी, यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसी की अगर कैलकुलेशन करते हुए आप 2000 तक जाएंगे, क्योंकि 80 पर 25 है तो 90 पर 35 होगा, और यकीनन 2000 पर 45 हो जाएगा। तो आप इसी इक्वेशन में जो कि हमारे पास पार्ट ए में आ चुकी थी, 79 ई इज़ इक्वल टू 79.33 t प्लस 1512.02, इसमें आप 45 पुट करेंगे, 79.33 टाइम्स 45 प्लस 1512.02, तो आपका आंसर आ जाएगा 5081.85। तो ये आपका डॉलर आना चाहिए कि डॉलर में आंसर आना चाहिए कि 2000 में आपके पास ये एक्सपेंडिचर्स होंगे स्टूडेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिए हुए वॉल्ट डिज्नी कंपनी की 1986 से 1990 के दरमियान, और आपको जो दो पॉइंट्स गिवन हैं वो ये हैं कि 1987 में प्रॉफिट इतना था और 1989 में प्रॉफिट इतना था। तो आपको लीनियर फंक्शन निकालना है, सिंस 1986 मीन्स जो 87 है ये टी की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जब टी की वैल्यू, हम यहाँ चाहें तो अलग से बना लेते हैं हम इस तरह के ईयर्स हैं, तो उसमें टी की वैल्यू क्या होगी,
और हमारे पास जो प्रॉफिट जिसे पी से शो किया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्ट ए में, वो क्या होगा। तो जब 1986 है तो वहाँ टी की वैल्यू ज़ीरो है, तो 1987 है वहाँ टी की वैल्यू वन है, और वहाँ प्रॉफिट भी हमें गिवन है जो कि है $0.762 बिलियन। और इसी तरह हमारे पास 1988 पे टू होगा तो 89 पर थ्री हो जाएगा, और वो हमें वैल्यू गिवन है $1.22 बिलियन। तो यूजिंग दीज टू डेटा पॉइंट्स आपको जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, हम स्लोप तो यहीं से निकाल सकते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, तो यहीं पर स्लोप हम निकाल लेते हैं, जो कि मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, 1.22 - 0.76, और उसे डिवाइड करेंगे 3 - 1 यानी कि 2 से, तो आंसर आता है 0.23, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि अच्छा हमने इक्वेशन अब तक नहीं बनाई है, तो इक्वेशन बनाते हैं। अगर इसमें आप देखें स्लोप कहता है 0.23, इसका मतलब हर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा 0.23 बिलियन से। तो अगर ईयर वन पर 0.762 है, इसमें से 0.23 माइनस कर दें तो पिछले ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, तो 0.762 - 0.23 करते हैं तो ये हमारे पास पिछले ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 0.532। इसका फ़ायदा ये हुआ कि टी की वैल्यू ज़ीरो तो पी वाई इंटरसेप्ट होता है, तो मेरे पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, तो अब मैं इक्वेशन डायरेक्टली बना सकता हूँ। वो इक्वेशन क्या बनेगी, पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी जो कि है 0.23 टी प्लस 0.532। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर सॉल्व हो गया। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाला एक बार फिर देखिए, जब ये एक साल की मेरे पास वैल्यू है और मुझे पता है कि एक साल बढ़ने से प्रॉफिट 0.23 बिलियन इंक्रीज़ होता है, तो एक साल पीछे जाने से 0.23 बिलियन कम हो जाएगा, तो मैंने इसमें से 0.23 बिलियन को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट आ गया, मुझे वो इतनी बड़ी मेहनत ना करनी पड़ी। खैर उससे भी अगर आप करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। पार्ट बी में कहा गया स्लोप और पी इंटरसेप्ट की मीनिंग बताइए। तो स्लोप ये बताता है कि ईच ईयर द प्रॉफिट ऑफ वॉल्ट डिज्नी या प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस बाय 0.23 बिलियन डॉलर्स। और पी इंटरसेप्ट का मतलब जब टी की वैल्यू ज़ीरो होगी, टी की वैल्यू ज़ीरो है तो हम ये बता रहे हैं कि इन 1986 द प्रॉफिट वॉज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, वो स्लोप की इंटरप्रेशन है, वाई इंटरसेप्ट की है। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 0.532 बिलियन। अच्छा उसके बाद पार्ट सी में क्या कहा गया, यूजिंग दिस फंक्शन एस्टिमेट द वैल्यू इन ईयर 2000, तो ईयर 2000 में क्या होगा। देखें जी 89 पर है 3, 1989 पर टी की वैल्यू 3 है, तो 1990 पर टी की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर हम 10 साल और इंक्रीज़ कर लें, 1990 के बाद 10 साल और इंक्रीज़ करें, तो ये 2000 बन जाएगा और यहाँ टी की वैल्यू 14 हो जाएगी, और गालिबन उन्होंने 2000 ही पूछा है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन में टी की वैल्यू 14 पुट करनी है। ये पार्ट सी हम शुरू कर चुके हैं, तो पार्ट सी में हम एफ ऑफ 14 फाइंड आउट करेंगे, तो वो हो जाएगा 0.23 × 14 प्लस 0.532। तो 0.23 × 14 में प्लस करते हैं 0.532, तो आंसर आता है 3.752 बिलियन डॉलर्स। मींस इनका प्रॉफिट ईयर 2000 में इतना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 16 भी हमारा हो गया। अच्छा बाकी क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, तो क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ज़रा हम गौर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, डिटरमिन वेदर देयर आर प्राइसेस विच ब्रिंग द सप्लाई एंड डिमांड इनटू इक्विलिब्रियम, मींस जितनी सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड हो जाए।
दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि डिमांड वन सप्लाई वन के बराबर हो जाए और डिमांड टू सप्लाई टू के बराबर हो जाए, तो क्या ऐसी कोई प्राइस है कि नहीं है। तो हम यहाँ शो करते हैं इफ़ सो, अगर ऐसी कोई प्राइस है तो उस पर क्वान्टिटीज़ क्या हैं वो भी बतानी है। तो सॉल्यूशन हम शो कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। ये इकोनॉमिक्स एक स्टूडेंट जानते हैं कि वो जो हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व बना रहे होते हैं, तो जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। खैर इकोनॉमिक्स में यहाँ क्वांटिटी और यहाँ प्राइस होती है, तो हमारे केस में जो है यहाँ पर क्वांटिटी होगी यहाँ पर प्राइस होगी, मींस वाई एक्सिस पर हमें क्वांटिटी इक्विलिब्रियम मिल जाएगी और एक्स एक्सिस पर प्राइस मिल जाएगी। लेकिन हम फिलहाल इस ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन के डेटा को लेकर सॉल्व करते हैं। और ये बाय द वे साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हैं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर। तो एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि क्यू डी वन बराबर होना चाहिए क्यू एस वन के, एंड क्यू डी टू बराबर होना चाहिए क्यू एस टू के, मीन्स डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं ये हमें मालूम है। तो क्यू डी वन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्यू डी वन की इक्वेशन है 82 माइनस 3P1 प्लस P2, और क्यू एस वन की इक्वेशन है 15P1 माइनस 5। इसे अगर हम रीअरेंज करें, मींस P1 को एक तरफ, P2 को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ, तो 82 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस P2 माइनस 3P1 माइनस 15P1 इज इक्वल टू 0। तो 82 प्लस 5 बन जाता है 87, प्लस P2 और माइनस 18P1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, इसे हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। इक्वेशन टू, क्यू डी टू बराबर होना चाहिए क्यू एस टू के। क्यू डी टू की इक्वेशन है हमारे पास 92, मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर चेंज करके, 92 प्लस 2P1 माइनस 4P2, ये हमने क्यू डी टू लिख दिया। और क्यू एस टू है हमारे पास 32P2 माइनस 6। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 92 प्लस 6 प्लस 2P1 माइनस, ये 32P2 ही था जी, माइनस 32P2 माइनस 4P2 इज इक्वल टू 0। 92 प्लस 6 बन जाएगा 98, 2P1 ही रहेगा, माइनस 32 ये माइनस 36P2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि हमें P1 और P2 की वैल्यू मिल जाए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना चैप्टर 3 अगर आपको याद हो, से रीअरेंज करते हैं। ताकि P1, P2 और कांस्टेंट एक तरफ हो जाए, तो इक्वेशन वन है मेरे पास 18P1, मींस ये नेगेटिव 18 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस P2 इज इक्वल टू 87। और इक्वेशन टू है 2P1 माइनस 36P2 इज इक्वल टू माइनस 98। तो हमें अगर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हम P1 को कर लेते हैं। P1 अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस जो 2 है वो 18 बन जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा, इक्वेशन 1 तो वही रहेगी, 18P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 87, और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18P1
और 9 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू 324। इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 98 करते हैं, नेगेटिव 882। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 324 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 323 आ जाएगा। और 882 में से माइनस करेंगे 87 तो आंसर 795। तो P2 बराबर होगा 795 डिवाइडेड बाय 323। तो P2 बराबर होगा 2.41 के, 461। डेसिमल में आंसर आ रहा है, एक बार रीचेक कर दें कहीं हमने गलती ना की हो। हाँ, यहाँ हमने मिस्टेक की है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मैंने इनको गलती से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो सॉरी अबाउट दैट। हम इस पार्ट को दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। तो 882 प्लस 87 इज इक्वल टू 969। और जब 969 को 323 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो P2 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब जब P2 की वैल्यू 3 आई है, वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो P1 की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, 2P1 माइनस 36 P2 इज इक्वल टू माइनस 98 थी इक्वेशन, तो 2P1 माइनस 36 और यहाँ हमने 3 पुट कर लिया इज इक्वल टू माइनस 98। 36 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आता है 108 इज इक्वल टू माइनस 98। 108 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव 108 बन जाएगा और माइनस 98 प्लस 108 करें, और इन्हें जब हम माइनस करते हैं तो P1 इज इक्वल टू ये 10 आ जाएगा और 2 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल टू 5। ये हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर प्रोडक्ट 1 की प्राइस 5 और प्रोडक्ट 2 की प्राइस 3 होगी तो QS1 के बराबर हो जाएगा और QD2 QS2 के बराबर हो जाएगा। तो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल ली। यस, द इक्विलिब्रियम प्राइस एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस एग्जिस्ट एट P1 इज इक्वल टू 5 एंड P2 इज इक्वल टू 3। लेकिन अब कहा गया था कि अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकालिए, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चाहे डिमांड की निकालें सप्लाई की निकालें एक ही बात है, क्योंकि दोनों डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेकिन दोनों प्रोडक्ट की निकालनी पड़ेगी, मीन्स Q1 और Q2 दोनों की। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी जो ईजी हो वो ले लेते हैं। QS1 15P1 माइनस 5, QS1 इज इक्वल टू 15P1 माइनस 5। P1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 5, तो 15 इंटू 5 माइनस 5, 15 इंटू 5 बनता है 75, और 75 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 70 QS1। आप अपनी तसल्ली के लिए QD1 भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आपको आंसर 70 ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट 2 के बारे में, ये हमने किया प्रोडक्ट 1 के बारे में। अब प्रोडक्ट 2 की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चाहिए हमें, तो उसके लिए हम QD2 या QS2 दोनों में से कोई भी फंक्शन ले लेते हैं। QS2 ज़्यादा आसान है, 32P2 माइनस 6। तो 32P2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3 माइनस 6। 32 टाइम्स 3 इज 96 और 96 माइनस 6 इज 90, तो ये QS2 आ गई।
अच्छा जी, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 5.2। वैसे इरादा मेरा ये था कि 5.2 और 5.3 की एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो चुकी है, इसकी टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। तो खैर, हम अब यहीं पर अपनी इस वीडियो को अख्ताम पज़ीर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें 5.3 यानी ब्रेक इवन के मॉडल्स हम सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।